हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो JSSC झारखंड जो CGL एग्जामिनेशन होने वाला है उसका जो है प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसको जो है मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सक्सेस प्लानर का प्रैक्टिस सेट है जो मैं आप लोगों को आज करवाऊँगा यहाँ पर। और आप लोग अगर 69 PPSC और जो है JSSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार मैं लेक्चर लेकर भी आ रहा हूँ। उसमें जो है बहुत सारे लेक्चर भी मैंने करवाए हैं, जैसे कि हिस्ट्री का जो है मैंने टाइम लाइन से जो है पूरा करवा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। वहाँ से आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन जो है ज़रूर जो है आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे JSSC हो, चाहे 69 BPSC हो, या कोई भी स्टेट PCS हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो। वो 1 घंटे का लेक्चर है लेकिन उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 10-12 क्वेश्चन आप वहाँ से ज़रूर कर लेंगे, चाहे फिर आप कोई भी सेट लगा लें। आप उसके बाद 1 घंटे का लेक्चर देख लें, उसके बाद कोई भी सेट लगाएं हिस्ट्री का, आपको जो है वो लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज जो शुरू करेंगे वो झारखंड JSSC का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। इसको जो है मैं भी करवाऊंगा और बाकी जो है इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप जो है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन से है और इसमें 30 प्रश्न है। इसकी मैं जो है डिटेल से एक्सप्लेनेशन करते हुए जो है आपको जो है इसे बताऊंगा और साथ साथ जो है आपको ये क्या नाम है कि इसमें जो है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ और जो है से कंप्यूटर और जो है साइंस और झारखंड स्पेशल शामिल किया है। मैथ्स और रीजनिंग को मैंने जो है स्किप कर दिया क्योंकि वो जो है आप खुद से बना लेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर जो है उस मैथ बनाना पॉसिबल नहीं है इतने उस टाइम में। तो देखते हैं, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी जो है वो कहाँ है? तो वो है श्री जयवर्धनेपुर कोटे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। श्री जयवर्धनेपुर कोटे जो है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। और कार्यकारी और न्यायिक न्यायिक राजधानी कहाँ है? तो वो है कोलंबो। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा जो है वो कौन सी है? तो वो है जोंगखा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा जोंगखा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ? तो प्रधानमंत्री के मन के बात का 100वां प्रसारण जो है वो किस दिन हुआ? तो वो हुआ 30 अप्रैल 2023 को। और ये जो है मन के बात का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था जो 3 अक्टूबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट है, किस स्टार्टअप ने आजादी सैट उपग्रह बनाया जिसमें जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? तो आजादी सैट जो उपग्रह था, सेटेलाइट था, उसको किसने बनाया है, किस स्टार्टअप कंपनी ने? तो स्पेस किड्स इंडिया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया ने जो है इसको बनाया है। नेक्स्ट हो मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये है ऑस्ट्रिक समूह से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिक समूह। नेक्स्ट, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणधीन है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है हवाई अड्डा वो कहाँ है? तो वो जो है आपको नोएडा में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और जो है जेवर हवाई अड्डा जो है वो बन रहा है। बुध का अर्थ है, तो बुध का अर्थ क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, बुध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति है। और जो है से गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में, तो सिद्धार्थ से जो है वो बुद्धा कहलाने लगे थे। बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में जो है उनको बोध प्राप्ति हुई थी फल्गु नदी के तट पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें कौन सा जो है वो सुमेलित है? तो देखते हैं, किताब है और उसके राइटर हैं। तो शमसे सिराज अफीफ वो जो है कि तारीख़ फिरोज शाही, तो ये जो है सही सुमेलित है। शमसे सिराज अफीफ जो है उन्होंने तारीख़ फिरोज शाही जो है उन्होंने ही लिखा था। तारीख़ मोहम्मदी, तो तारीख़ जहाद्दीन बरनी जो लिखा था वो लिखा था फतवाए जहादारी। और जो है अमीर खुसरू ने आशिका तुगलकनामा वगैरह लिखा था। इब्ने बतूता की जो पुस्तक है वो है आपको रीला। और तबाकत नसरी जो लिखा था वो लिखा था मिनहाजुस सिराज ने। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मंत्रिपरिषद को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना था अष्टप्रधान। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अष्टप्रधान। और शिवाजी जो है इनकी सलाह से काम करते थे, लेकिन जो है वो शिवाजी को वीरो पावर था, वो उनके ऊपर था कि वो इनकी सलाह माने कि नहीं माने।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ये कौन सा उपन्यास था? तो वो इनमें जो था वो था आनंदमठ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है लिखित आनंदमठ जो है वो स्वतंतत्रता संग्राम का जो है से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है काफी इसमें मदद की, इसी इसी से एक जो ली गई थी वंदे मातरम, वो जो है स्वदेशी आंदोलन के वक्त जो है सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंदमठ से ही लिया गया है, बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में वो गीत काफी प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1887 में जो है मद्रास सेशन में 1887 में मद्रास सेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है कि ए ओ ह्यूम जो है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे उन्होंने किया था, और उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी जो कि मुंबई में अध्यक्ष इस सेशन हुआ था पहला गोगुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और जो है दूसरे अध्यक्ष जो थे वो थे दादा भाई नरोजी, पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नरोजी, उनका जो है कलकत्ता में हुआ था सेशन, और उसके बाद तीसरे अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे जो थे वो थे जॉर्ज यूल, उनका जो है से आपको इलाहाबाद में जो है वो सेशन हुआ था, कांग्रेस का जो है अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। नेक्स्ट है सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा जो है बौद्ध त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश देश के बीच फैला हुआ है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हेयर डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू इस 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को जो है कहते हैं वो कहते हैं लिम्नोलॉजी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। लिम्नोलॉजी जो है वो झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों नदी तालाब वगैरह के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो भारत से बाहर जो है वो किस नदी का है? तो वो है ब्रह्मपुत्रा का, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी का स्रोत जो है वो भारत से बाहर है, और ये जो है आपको तिब्बत में चेमयुंगडुंग हिमानी के पास से जो है मानसरोवर लेक के पास से जो है इसका उद्गम स्थल है, और यहाँ से तीन नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, और जो है आपको एक और जो निकलती है वो कौन है, कोसी। ये तीनों नदियाँ जो है ये बाहर से आती है, और व्यास, रावी और झेलम ये सब भारत से ही इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम कृषि जो कहाँ है, तो झूम कृषि अभी भी प्रचलित है मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में जो है झूम कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जी जिसको कहते हैं, कि जंगलों को काट के वहाँ पे खेती की जाता है, फिर जो है वो जहाँ वो जमीन से जब खेती हो जाती है तो फिर आगे जंगल को काट के खेती करते हैं। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तुम्मलपल्ले कहाँ स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में स्थित, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार यहाँ मिलता है, ऐसे विश्व में जो है यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, क्वेटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो क्वेटो प्रोटोकॉल जो कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, तो वो जो है कब प्रभावित हुआ, प्रभावी कब हुआ? तो वो हुआ था प्रभावी 2005 में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेटो प्रोटोकॉल जो है वो हुआ था जो दिसंबर 1997 में जो है कोप के जो है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के तीसरे संस्करण में कैनेडा में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो भारत में जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है प्लान इकोनॉमी जो है वो किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZD की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, तो SEZD जो है इसका जो है अवधारणा सबसे पहले जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो है कहाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है वो कहाँ शुरू किया गया, तो इसका किया गया है भारत में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं, तो विदेश में जो है वस्तु जो है अपने देश से
कम दाम पे जो है दूसरे देश में बेचने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पाटना या डंपिंग। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा डंपिंग। चाइना जो है बहुत सारे माल को जो है भारत में डंपिंग करता है, इसकी वजह से जो है बहुत सारे इस पर जो है चाइना पे रोक भी लगा गया है। इससे भारतीय मार्केट पे जो है प्रभाव पड़ता है, भारतीय जो है कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह पे काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, देश में कौन से 3 वर्ष की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो योजना अवकाश के रूप में जो है किसको मनाया जाता है, तो वो 1966 से 1969 के बीच के अवधि को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन जो है 1951 में शुरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। जो है हमारा प्लानिंग कमीशन आया और उसको जो है रिप्लेस 2015 में जो है नीति आयोग द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो किसका जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभाव है, किसका जो है इफेक्ट सबसे ज्यादा है संविधान में, कहाँ से जो है सबसे ज्यादा जो लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारी की गारंटी देता है? तो धार्मिक जो है रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार अधिकार जो है कौन सा जो है अनुच्छेद देता है, तो वो देता है अनुच्छेद 25 से 28। ये फंडामेंटल राइट है और 6 फंडामेंटल राइट टोटल है। ये जो है से मूल जो है अधिकार है जो पार्ट 3 में जो है मेंशन है, और 1235 जो है अनुच्छेद आर्टिकल में जो है आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा, और इसी में जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है 25 से 28 में है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेक अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है अपने स्वेच्छा से जो है निर्णय ले सकते हैं, अपने विवेक पे जो है वो फैसला कर सकते हैं कि कौन सा अधिकार है, तो वो कैसा अधिकार है, तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई मान लीजिए किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं हुआ तो ये पूरा पूरा जो है राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करता है कि वो किस पार्टी को बुलाते हैं अपना जो है बहुमत साबित करने के लिए प्रधानमंत्री का चेहरा, या किसी को किसको नियुक्त करते हैं, ये राष्ट्रपति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था जो कि 3 टीयर व्यवस्था है उसको जो है संवैधानिक दर्जा जो है किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992, और 74वें के द्वारा जो है वो आपको नगर पालिका को दिया गया। नेक्स्ट है, फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक जो लिखा है वो लिखा है किरण बेदी ने। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पहली आईपीएस थी हमारे देश की। नेक्स्ट है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो रोजर फेडरर का संबंध जो है वो आपको लॉन टेनिस से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। इस बार जो है अभी विम्बलडन हुआ है, इंग्लैंड में विम्बलडन होता है, तो उसकी उसको जो जीता है वो कौन जीता है, कार्लस अलकराज जो कि 20 साल के हैं स्पेन के, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया इस बार जो है पुरुष एकल में, जो है नोवाक जोकोविच को जो है कार्लस अलकराज ने हराया। 4 जो है से ये होता है ग्रैंड स्लैम, उसको अफवा के नाम से आप याद कर सकते हैं, AFWA अफवा। पहले होता है आपको क्या होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ओपन जो है ग्रास कोर्ट पे, और अमेरिकन ओपन जो है वो आपको खेला जाता है क्ले कोर्ट पे। तो इस तरह से आप 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वर्ष में। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के किस भाग में स्थित है झारखंड? तो झारखंड जो स्थित है वो है आपको उत्तर में भारत स्थित है, और जो है से पूरब में भारत स्थित है। झारखंड किधर है? झारखंड भी भारत के जो है उत्तर पूर्व में ही स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में झारखंड स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? तो इसमें जो है कौन जो है उष्मा का जो है बुरा परिचालक है, तो हीट का जो है तो वो है शीशा। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, लेड जो है वो उष्मा का बुरा परिचालक है, कुचालक है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो सबसे जो है मजबूत बल स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है प्रकृति में? तो वो है नाभिकीय बल। ऑप्शन सी जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे मजबूत और सबसे जो कमजोर बल है वो गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स है।
नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की जो लाइट है, जो सन की रेज है, वो लाइट है, वो धरती पर पहुंचने में उसको कितना समय लग जाता है? तो 8.2 मिनट लगभग। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रक्षरव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो प्रक्षरव्य तरंग जो है, इंफ्रारेड रेज जो है, उसकी जो है से आवृत्ति जो है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है कितनी होती है? तो वो होती है, जो प्रक्षरव्य तरंग पूछ रहा है, जो अल्ट्रासोनिक जो रेज है उसकी होती है आपको 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। और जो है से 20 किलो हर्ट्ज से नीचे जो है वो होती है आपको इंफ्रारेड की। ह्यूमन एयर जो है कितना सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है हमारा कान जो है ध्वनि को सुन सकता है। और यहाँ से 20 किलो हर्ट्ज में 20 हर्ट्ज और किलो नहीं, इसे को कहते हैं, ये क्या नाम है, इंफ्रासोनिक रेस। 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका संवेग ज्ञात करें। तो जो है पूछ रहा है कि मोमेंटम इसका क्या होगा? अगर मास जो है आपको 18 है, और जो है इसकी जो है से वेग जो है, वेलोसिटी जो है आपको 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो है से आपको मोमेंटम, मोमेंटम को ऐसे डोनेट करते हैं तो क्या होगा? तो मोमेंटम इज उल्टा सा है एम इंटू वी, मास इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी जो मोमेंटम होता है, तो कितना हो जाएगा अगर 18 × 108? तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इतना जो है मोमेंटम रहेगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो ड्राई स्टेट में जो है मानव शरीर का जो है प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस कितना होता है? तो 10^3 ओम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो जल विद्युत पावर स्टेशन जो होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होता है, उसमें जो है एनर्जी का जो है सोर्स किया है, तो वो है जल की गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जल की गतिज ऊर्जा जो है से बैटर जो है से जब टरबाइन घूमता है, जो स्टोर्ड वाटर होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट, किस तत्व को के परमाणु को परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, इसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और एटॉमिक नंबर जो है वो जो है किसी का द्रव्यमान संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो परमाणु संख्या होता है, और द्रव्यमान संख्या जो है एटॉमिक मास के क्या होता है? तो वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 17 है और एटॉमिक मास 36 है, तो 17 में से 36 किया तो कितना हो गया? 19। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एटॉमिक जो है से न्यूट्रॉन का जो होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, सोने का जो है से कैरेट में नापा जाता है उसकी जो है प्योरिटी, और किस प्योर सोना कितना होता है? तो 24 कैरेट। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, तो कि इनमें से जो है किसी का प्रयोग किया जाता है घोलने के लिए, किसका किया जाता है? तो एक्वा रेजिया। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक्वा रेजिया जो है वो क्या होता है? वो होता है 3HCl और 1+1HNO3 को मिला के एक्वा रेजिया कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो एलपीजी का प्रमुख, एलपीजी में जो है ऐसे ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है थोड़ा, लेकिन मुख्य घटक जो है वो है ब्यूटेन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है से ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई जो स्मेल नहीं होता, लेकिन इसमें इथाइल मर्कैप्टन मिला दिया जाता है जो कि गैस, जिसकी वजह से जो है जब लीक होता है तो हमें पता चलता है कि गैस लीक हो रहा है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो विमंदक के रूप में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, विमंदक के रूप में, मंदक के रूप में इसका किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व क्या है प्रचुर मात्रा में? तो वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, लगभग 65% जो है ऑक्सीजन है, और जो है से कार्बन जो है लगभग 18.5% है, इसी तरह से हाइड्रोजन जो है लगभग 9.5% है, और नाइट्रोजन जो है लगभग 3% है। अब हम देखते हैं
नेक्स्ट जो है कंप्यूटर का ज्ञान है, तो उसके हिसाब से कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। जो कंप्यूटर का प्रश्न है, दो तीन प्रश्न जो है दोस्तों साइंस का छूट गया है, वो दूसरे पीडीएफ में होगा, उसको मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या है कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है, तो यूजर को जो है क्या कहा जाता है, ऑपरेटर को क्या कहा जाता है, ह्यूमन बेयर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसार का पहला गणन यंत्र है, तो संसार का पहला गणन यंत्र जो है काउंटिंग डिवाइस क्या है, तो वो है अबेकस। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, तो भौतिक छवि को जो है फिजिकल जो फोटो होता है उसको डिजिटल रूप में जो बदलता है कौन होता है, तो वो होता है स्कैनर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर, ये सीपीयू देता है और उसको बदलता है। वीजीए का पूर्ण रूप क्या है, तो वीजीए का फुल रूप है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एरे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बिट है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है, तो कोई बग आ जाता है जैसे कोई वायरस वगैरह आ गया, उसको तुरंत जो है उसका समाधान सॉल्यूशन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको पैच कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है, तो कंप्यूटर को निर्देश जो है इंस्ट्रक्शन जो है कौन देता है, कौन जो उसको कंट्रोल करता है, तो वो करता है प्रोग्राम। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो वो जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम प्रयोग होता है वो होता है बाइनरी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है 0 और 1 नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है, तो सबसे तेज माध्यम जो है इसके लिए जो है कम्युनिकेशन के लिए कौन सा नेटवर्क है, तो वो है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस पे वर्क करता है, तो ये जो वर्क करता है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट है, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृति श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया, तो किसने बदल दिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था, तो सबसे पहले इंटरनेट का नाम जो है वो क्या था, तो वो था अर्पानेट। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अर्पानेट जो है सबसे पहले इंटरनेट का नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है, तो कौन है, तो वो है विकिपीडिया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कि 2001 में जो है इसको जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, तो विंडोज 10 में जो है निर्मित ब्राउजर उसको क्या कहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है, तो एमएस ऑफिस का जो है कौन सा है, तो वो है एमएस वर्ड। ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा, एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी वगैरह जो भी होता है ऑफिस का। एक विसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो विकीलीक्स का जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये कहाँ है, तो वो है विकीलीक्स का अंतर्राष्ट्रीय संगठन आइसलैंड में स्थित। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है विकीलीक्स की स्थापना जूलियन असांजे ने की थी 2006 में। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, तो एफ कुंजिया जो होती है वो कितनी होती है, F9, F2, F4 आपने देखा होगा, F5 करके जो है से रिफ्रेश करते होंगे, तो वो होती है लगभग 12। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर रहेगा, 12। नेक्स्ट है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा वो क्या होगा, डैश क्या होगा, पिक्सल पास पास हो जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ISDN का विस्तारित रूप है, तो ISDN का जो है विस्तारित रूप क्या है, ISDN का एब्रिविएशन जो है वो क्या है, तो वो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है, तो किसी विंडो को जो है किसी आइकन में सिंक कर देना जो है वो क्या होता है, तो विंडो को मिनिमाइज करना। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय अल्ट प्लस F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा। तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर। और शट डाउन के लिए भी अल्ट प्लस F4 का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, अल्ट प्लस F4 के बाद जो है एंटर की प्रेस करते हैं उसके बाद शट डाउन कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट शुरू है वो है झारखंड से संबंधित ज्ञान, जो कि इसके 40 प्रश्न है उसको मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला जो है हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो है आपको स्वर्णरेखा नदी पर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है झारखंड की दूसरे सबसे ऊंची जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई लगभग 320 फीट है। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट जो है स्थापित किया गया था 1964 में सोवियत संघ के सहायता से। नेक्स्ट है झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। तो इनमें सबसे बड़ा संरक्षित स्थान जो है वो कौन सा है, रिजर्व एरिया जो है सबसे बड़ा कौन है, तो वो है पलामू, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पलामू अभयारण्य जो है झारखंड में है और ये जो है 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका लगभग जो है से इस कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था, 794 में। और ये जो है आपको लातेहार जिले में मिल जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो सरकार द्वारा जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल एरिया उसके द्वारा जो है वर्गीकृत नहीं है, कौन सा है, तो वो है और इसमें से जो है अयाडा है, बियाडा है, रियाडा है, जियाडा नहीं है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर नहीं है, ये जो है एसपियाडा है, मतलब संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार है, एसपियाडा, एसपियाडा। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। तो लौह अयस्क जो है आयरन ओर जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस जिले में झारखंड में, तो वो होता है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला भी है यही पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हजारीबाग में जो है सबसे ज्यादा मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे झारखंड में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है आपको लाल मिट्टी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। तो सरायकेला रियासत के जो है आखिरी शासक जो है इनमें से कौन थे, तो वो जो थे वो थे आपको एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एच राजा सरायकेला रियासत जो है उसकी स्थापना 1620 में जो है विक्रम सिंह प्रथम ने की थी, 1620 में। नेक्स्ट टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या था। तो टाना भगत आंदोलन जो कि 1914 में शुरू हुआ था उसके नेता कौन थे, तो जतरा भगत, ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1931-32 में जो है कोल आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो कोल आंदोलन 1931-32 में नहीं शुरू हुआ था, ये यहाँ पर जो है गलत है, ये 1831-32 में शुरू हुआ था। उसके जो नेता थे वो थे बुद्धू भगत, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1915 में, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई थी। ये झारखंड की प्रथम अंतरराज्यीय आदिवासी संगठन थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। तो स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के जो है इनमें से जो है कौन नहीं थे, तो धनंजय महतो थे, बिरसा मुंडा तो थे ही, मुंडा आंदोलन, कानू मुर्मू भी थे, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये संथाल आंदोलन से जुड़े थे, बिस्माल खान नहीं थे, ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 अगस्त 1942 को बिरजी को जो है गोली से मार दिया गया था। और बिरजी जो है संथाल परगना के किस नेता की जो है वो पत्नी थी, तो वो जो थी आपको वो थी हरिहर मिर्धा की, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जमतारा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा। तो ये जो है से जमतारा के कौन से नेता थे, तो वो थे नरसिंह राव, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, नरसिंह राय के। अभी जमतारा जो है से वो इसके लिए फेमस है, वो ऑनलाइन जो है से लोगों को जो है से मनी वगैरह जो है से ठग लिया जा रहा है, उनके सीरीज भी बनी है।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? तो किस आंदोलन में जो है ऐसा कहा गया था लोगों से कि भूमि कर नहीं देना है? तो खारवार आंदोलन ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके नेता जो थे वो थे भगीरथ मांझी, और 1874 में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, शिकार के लिए तैयार करने का कार्ड किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? तो शिकार के लिए तैयार करने का कार्ड जो है वो किस डांस में है, शिकार करने जा रहे हैं, हंटिंग करने, तो वो है हुंटा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। हुंटा में जो है ये दर्शाया जाता है, ये संथाल जनजाति का नृत्य है जो कि डांस है, जो कि पुरुष लोग मेल लोग करते हैं। नेक्स्ट, डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है, तो कहाँ जो है से छऊ नृत्य का गढ़ है? तो वो है सरायकेला खारसावां। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सरायकेला खारसावा। नेक्स्ट है, झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ढोकरा जो है वो किस शिल्प कला से संबंधित है? तो वो है धातु से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, धातु। ऐसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है इसमें यूज करते थे। नेक्स्ट, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो कितनी जो है जनजातियां हैं, तो वो हैं 32। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर, जिसमें 8 जो है वो आदिम जनजाति है। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो संथाल में जो है वो कितने प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित है? तो वो है आपको 8 प्रकार के विवाह। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्रिंग बपला, ये सब है दिपील बपला। तो ये जो है बपला जो है संथाल में विवाह को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांवों की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौड़ा और 7 गांव की पंचायत को सतौड़ा कहा जाता है? तो ये जो है किस जनजाति में जो है कहा जाता है? 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पचौड़ा और 7 गांव के सतौड़ा, ये किसके कहा जाता है? तो वो कहता है खरवार। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? किस नृत्य को जो है नीर सुसंको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको जदूर नृत्य को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये उड़ाव जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुष जो है स्त्री का वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, जाट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जट जटिन और भकुली बंका जो है लोक नृत्य, ये किस माह में जो है इसका आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है सावन और कार्तिक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूदहा मेला एवं दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये सारे जो मेले हैं इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है देवघर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो मंडा पर्व जो है किस वर्ष मनाया जाए, कहाँ कब मनाया जाता है, किस माह में? तो वैशाख माह की अक्षय तृतीया को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मंडा पर्व जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जनजातीय भाषा के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? देखते हैं, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को 2 वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा और द्रविडियन। तो सही है, द्रविड भाषा वर्ग में कुंडुक उड़ाव और मालतो सोरैया एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती है, तो ये भी सही है। अन्य सभी भाषा बोली की ऑस्ट्रिक भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, तो ये सही है। तीनों कथन जो है इसमें सही है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है, तो जनजातीय साहित्य में जो है सबसे ज्यादा प्रचलन क्या है? तो वो है लोक कथाओं का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश जो है किसको माना जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। इसकी रचना जो है फादर ऑफ मैन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो अंतिम संस्कार के लिए सब कौन सा मंदिर जो है सबसे उपयुक्त है? जो ये है बैद्यनाथ मंदिर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये देवघर में स्थित है और इसको जो है से निर्माण जो है गिद्धौर वंश के शासक जो है पूरनमल द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर को हुडको झील स्थित है? तो झारखंड के किस शहर में जो है हुडको झील जो है वो किस शहर में झारखंड के? तो जमशेदपुर में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये एक आर्टिफिशियल लेक है।
नेक्स्ट, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गिद्धेश वंश के शासक जो है वो करवाए थे पूरनमल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गिद्धौर राजवंश के शासक पूरनमल। नेक्स्ट, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो सर्वजन्य पेंशन योजना जो कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है स्टार्ट की गई है, जो 15 नवंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी, तो 60 वर्ष उससे अधिक वर्ष के वृद्ध को ये मिलेगा, सही है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला को मिलेगा, ये भी सही है। 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV/AIDS पीड़ित लोगों को मिलेगा, तो सभी कथन जो है सही। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चला गया है? तो दीनदयाल स्वावलंबन योजना जो है उसमें झारखंड के किस जिले को जो है पायलट योजना के तौर पे चुना गया है? तो खूंटी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, खूंटी। नेक्स्ट है, सोना सोवरण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सोना सोवरण योजना के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, जिसको 2021 में जो है इसकी शुरुआत जो है हेमंत सोरेन ने दुमका से की थी। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा, ये सही है। इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा के नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा, तो ये भी सही है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो स्टेडियम कौन सा स्टेडियम है जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है? तो वो है आपको JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो सबसे पहले विद्रोही शहीद जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन थे? तो वो जो थे आपको तिलका मांझी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी जो है उन्होंने जो है से उनको जो है फांसी दे दिया गया था 1785 में। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो पहले अग्रणी नेता तो बिरसा मुंडा थे, और मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच जो है वो हुआ था, और इसका जो है से दूसरे जो है अग्रणी नेता कौन थे? तो वो थे गया मुंडा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गयानंद मुंडा। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन चुने। तो जो है झारखंड बजट 2023-24 के बारे में देखते हैं। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया, सही है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 3 मार्च 2023 को पेश किया। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, ये भी सही है कि 1,16,418 करोड़ रुपये का जो है बजट पेश किया गया है इस बार। और जो है ये जो है पिछले बजट से 15% ज्यादा है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया, तो ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन जो है सही। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विकास दर जो है 7.8% रखा गया है, अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जनजाति नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो किसके नेता के, किस नेता के? बिरसा मुंडा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 1875 को जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और इसी दिन जो है 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग हुआ था झारखंड। नेक्स्ट है, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है JSLPS द्वारा? तो आदिवा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, आदिवा जो है लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये जो है 150 क्वेश्चन का है, यहाँ पे आंसर आप बाद में देख लीजिएगा, इसको मैं PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो इसका जो है मैंने आप लोगों को करवा दिया है, और आगे भी जो है से ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं करवाता रहूँगा लगातार, और जो भी पढ़ाना होगा उसको भी मैं पढ़ाता रहूँगा अपने तौर पर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।